अगर आप टैक्स सेविंग ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 ईएलएसएस फंड के बारे में बात करेंगे। ईएलएसएस फंड आने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड, यह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो आपको टैक्स बचाने और प्रॉफिट कमाने में मदद कर सकता है। ये फंड कम से कम 80% अपने पैसे इक्विटी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। इनका लॉक इन पीरियड 3 साल के लिए होता है। ईएलएसएस फंड इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बचाने में हमें हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं 5 ऐसे ईएलएसएस फंड के बारे में जिनको आप अपने टैक्स सेविंग प्लानिंग में कंसीडर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड से। यह फंड 99.6% पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। इसके टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग है रिलायंस, अडानी और अरबिंदो फार्मा। देखते हैं अब फंड के परफॉर्मेंस और बाकी रेशियो को। इस फंड ने पिछले 10 सालों में 27.5%, पिछले 5 सालों में 34.4% और पिछले 3 साल में 34.38% के रिटर्न दिए हैं। फंड की एक्सपेंसेज रेशियो 0.76% है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंडर 7,237.64 करोड़ का है। इसका अल्फा 9.97% है जो कि इसके कैटेगरी एवरेज के अल्फा से 2.59 से ज्यादा है। सेकेंड, HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड। HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड ने 91.62% अपने पैसे स्टॉक्स में लगाए हैं। इनके टॉप 5 होल्डिंग है ICICI बैंक, HDFC बैंक, ICL टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एरोटिक्स और सिप्ला। देखते हैं फंड के पास्ट परफॉर्मेंस और कुछ रेशियो को। तो इसने पिछले 10 सालों में 17.21%, पिछले 5 सालों में 19.85% और पिछले 3 साल में 24.44% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड की एक्सपेंसेज रेशियो 1.14% है। इनका अल्फा 5.68% है जो कि इस कैटेगरी के 2.59 से ज्यादा है। थर्ड पे रखते हैं बंधन ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड को। इस फंड ने 94.70% अपने इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर रखा है। इसके टॉप 5 होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस एंड इंफोसिस। चलिए अब देखते हैं फंड के पास्ट परफॉर्मेंस और कुछ रेशियो को। तो ये पिछले 10 सालों में 20.24%, पिछले 5 सालों में 23.8% और पिछले 3 साल में 23.36% का रिटर्न दिए हैं। फंड का एक्सपेंसेज रेशियो 0.59% है और फंड का AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 59,976.05 करोड़ का है। इनका अल्फा 3.89% है जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज का अल्फा 2.59 से ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव फ्रैंकलिन इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इस फंड ने 95.7% अपने पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। इनके टॉप 5 होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंफोसिस, L&T एंड भारती एयरटेल। अब फंड के पास्ट परफॉर्मेंस और कुछ रेशियो को डिस्कस कर लेते हैं। इस फंड ने पिछले 10 साल में 18.4% का रिटर्न दिया है जबकि पिछले 5 सालों में 19.80% और पिछले 3 सालों में 21.5% के रिटर्न दिए हैं। फंड की एक्सपेंसेज रेशियो है 1.09% और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 6,033 करोड़ का है। इनका अल्फा 3.39 है जो कि इस कैटेगरी के एवरेज अल्फा 2.59 से ज्यादा है। एंड लास्टली वी कैन कंसीडर SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड ने 93.3% अपने पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इनके टॉप 5 होल्डिंग्स हैं GTD इंडिया, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, टोरेंट पावर और केमिक्स इंडिया। चलिए अब इस फंड के कुछ पास्ट परफॉर्मेंस और रेशियो को देखते हैं। इस फंड ने पिछले 10 सालों में 18.60 का रिटर्न दिया है जबकि पिछले 5 सालों में 22.88% का रिटर्न है जबकि पिछले 3 सालों में 25.43% के रिटर्न दिए हैं। एक्सपेंसेज रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंसेज रेशियो है 0.98%, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 2,085 करोड़ का है। इनका अल्फा 5.28% है जो कि इसके कैटेगरी के एवरेज अल्फा 2.59 से ज्यादा है। इन सभी ईएलएसएस फंड का अल्फा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये सभी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहे हैं और यह बेंचमार्क के मुकाबले भी अच्छे रिटर्न दे पा रहे हैं। वैसे ये सभी ईएलएसएस फंड पहले अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं लेकिन ये फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट रिसर्च बेस पे करनी चाहिए।
आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पहले आप खुद रिसर्च कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द मिलेंगे।